प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपका जो ALP का एग्ज़ाम डेट है, जो RRB JEE का एग्ज़ाम डेट है, जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट है, वो आ चुका है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हमारे पास लगभग 45 डेज़ का समय बचा हुआ है। तो ये 45 डेज़ हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि हमारा मैक्सिमम चांस हो कि रिज़ल्ट बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं, ALP में लगभग 19 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। उसमें से मान लीजिए कि आपका 70-80% तो आराम से बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे ही, 20-30% एक बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो फिर भी बहुत बड़ा कंपटीशन है, वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है। तो हमें अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है, इसके ऊपर आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो एक बार बच्चे सभी लोग फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो, और इस चैनल के ऊपर रेलवे से रिलेटेड हर एक चीज़ जो है आपको प्रोवाइड करी जा रही है, चाहे वो NCERT की चैम्पियन सीरीज़ हो, चाहे वो आपका 1000+ MCQ सीरीज़ हो, और एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है रेलवे रफ्तार सीरीज़, जिसमें हम PYQ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट करी है, आज ये हमारा पहला क्लास था, आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई 45 डेज़ में हम किस तरीके से खुद को तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयार करना चाहिए, और मेरा सजेशन क्या रहेगा आप सभी को। मैं ये सजेशन क्यों दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है जब ये 2018 में आया हुआ था। ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट इशू वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसकी वजह से अदरवाइज़ मेरा सिलेक्शन हो चुका है और ये बार इस बार भी जो है चांस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसलिए आप सभी को ये सजेशन दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। छोटा सा वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे करके जाएगी। तो बात करते हैं कि लास्ट 45 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास तीन एग्ज़ाम है, RRB JEE का एग्ज़ाम है, ALP का एग्ज़ाम है और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। क्योंकि ये वो बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं तीनों एग्ज़ाम को भरे होंगे। भाई जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है वही ALP का फॉर्म भर सकता है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है कहीं ना कहीं वही हमारा टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता है, और JEE का एग्ज़ाम भी वही बच्चा भर सकता है। तो मैं ये उन तीनों बच्चों के लिए बना रहा हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है। एक बार पहले ना सिलेबस थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सिलेबस क्या है, अगर हम देखें कि हमारे पास तीन एग्ज़ाम है, ALP का एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है और NTPC का एग्ज़ाम है। तीनों में लगभग सिलेबस हमारा बराबर है, लगभग सिलेबस सेम है। टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का और GK यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बात ALP से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला एग्ज़ाम हमारा ALP का ही होने वाला है। तो ALP में टोटल मैथ्स में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके लिए हमें 20 मार्क्स दिए जाएंगे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, GK और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 75 क्वेश्चन हमारे ALP में पूछे जाएंगे, इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। बात JEE की करते हैं तो इसमें क्या होगा, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के देखो यहाँ पे वेटेज बढ़ गया है 30 क्वेश्चन होंगे, और करेंट अफेयर और GK का 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी आपको समय जो है थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, और टेक्नीशियन की बात करेंगे तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन है और साइंस में 35 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वेटेज है साइंस का, और GK और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं टेक्नीशियन में। तो ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है आपका ऐड हो रहा है, थोड़ा सा होता है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होता ही होता है, बस थोड़ा सा हमें थ्योरी वाला सेक्शन को कम्प्लीट करना होता है। तो ये 20 क्वेश्चन है, टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे टेक्नीशियन में बनेंगे। NTPC की बात करते हैं क्योंकि लास्ट में हमारा NTPC का एग्ज़ाम होगा। आप ये मान के चलो कि मार्च अप्रैल के पास 2025 में मार्च अप्रैल के आसपास ये एग्ज़ाम होगा, तो ये सबसे लास्ट में होगा। मैथ्स में 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे, साइंस और GK यहाँ पर एक साथ मिक्स कर दिया गया है और टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन जो है टोटल यहाँ पे बनेंगे और इसमें 1.5 घंटे का समय रहेगा। 1.5 घंटे का समय आपको JEE में भी रहेगा, ठीक है, और टेक्नीशियन में 1 घंटे का समय रहेगा। तो ये आपका टोटल समय है और इस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है। अब बात करते हैं सर हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं करना है, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं उन्हें ही हमें करना है। पहली बात करते हैं, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बात को समझिए, ये CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 है। इसमें सिर्फ स्क्रीनिंग करना होता है, उन बच्चों को भीड़ से बाहर करना होता है जो वाकई में इसको डिज़र्व नहीं करते हैं।
और वो नॉर्मल क्वेश्चन से भी किए जा सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आएगा, मॉडरेट फॉर्म में आएगा। तो आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बुक्स, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स को वो पढ़े जा रहे हैं। उतना डीपली नहीं पढ़ना है। कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ोगे तो जो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे वो छूट जाएंगे, और एग्ज़ाम में वही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जाएगा, फिर आपसे वो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी, नहीं बन पाएगी। दूसरा जो काम करना है वो मॉक टेस्ट जो है लगाना है, लेकिन ऑफलाइन मोड में नहीं लगाना है। हम आप भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्केट से PYQ को खरीद कर ला रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म मोड में उसको लगाए जा रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन का पेपर, ऑफलाइन का पेपर बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो ध्यान देना है बच्चा, आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। दूसरी बात, जीके के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपने जीके पढ़ी है तो भी ठीक है, 10 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। और अगर नहीं पढ़ी है अभी तक, तो मैं तो यही सलाह करूँगा कि आप जीके के लिए परेशान ना हो, जीके के लिए फालतू में टाइम वेस्ट ना करें। जीके बहुत बड़ा है और इसको आप इतने कम समय में कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपने शुरू से पढ़ी है जीके तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं होना है। और अगर आपने जीके को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं दोबारा से सजेशन करूंगा कि जीके के लिए परेशान ना हो, जीके के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, जीके को पढ़े बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएंगे, बहुत आसान सवाल होंगे। 2-3 सवाल तो करंट अफेयर के ही पूछे जाएंगे, उनमें से 1-2 सवाल स्पोर्ट्स का आ जाएगा, जैसे अभी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हमारे 2024 में हो रखे हैं, 1-2 अवार्ड से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये 2-3 सवाल आपसे बन जाएंगे अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो। इसके लिए मैं कहूँगा कि जीके के लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, खास करके ALP के एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। JEE वगैरह में या NTPC में तो सोचना पड़ेगा, पर फिलहाल अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ कि भाई अगर मार्क्स कम आते हैं ना, तो कमेंट्स में करते हैं कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। क्यों परेशान नहीं होना है? देखो, अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे वो आप टेस्ट बुक पे लगा रहे हो, चाहे वो प्रेप एप्लीकेशन पे लगा रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन पे टेस्ट लगा रहे हो, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। वो जो टेस्ट बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो टेस्ट को थोड़ा टफ रखते हैं। रीज़न क्या है? टेस्ट को टफ इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थोड़ा मोटिवेटेड फील करें, तो उनको लगे कि हमें पढ़ने की और ज़रूरत है। अगर वो बहुत आसान पेपर रख देंगे तो बच्चे पढ़ना कम कर देंगे, इसलिए पेपर वो थोड़ा टफ देते हैं। अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है तो बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है कि सर हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, ऐसी ख्यालों से बचना है। हाँ, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम गेन कर सकें, और कोशिश ये करना है कि कम से कम गलतियाँ करें। 90% के आसपास आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बच्चा, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि क्या हमें करना है, हम क्या करेंगे जिससे हमें लास्ट के 45 डेज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पहली बात, हर दिन मॉक टेस्ट लगाना है, हर दिन मॉक टेस्ट लगाना है, और हो सके तो 2 मॉक टेस्ट लगाना, एक में PYQ लगाना और एक में नॉर्मल मॉक टेस्ट लगाना। जैसे अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा टेस्ट बुक का, तो उसमें PYQ का भी अलग से है और उसमें उन्होंने मॉक टेस्ट भी अलग से दे रखा है। तो मॉक टेस्ट तो आपको हर दिन लगाना है, और साथ में एक PYQ भी हर दिन लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हर दिन लगाना है, कोशिश करना है। PYQ मैंने बताया जो रोज़ जो है वो लगाना ज़रूरी है। PYQ आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देगा, और मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं दोनों को मैच करके देखना कितनी वेरिएशन आ रही है। अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज अगर 2-4-5 नंबर की वेरिएशन है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस डिटेल में करना है। जैसे जो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मान लेते हैं कि हमारे मैथ्स में 2-3 सवाल हैं जो गलत हो जा रहे हैं, बार बार गलत हो रहे हैं, तो हमें उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे या फिर अपने बुक से पढ़ेंगे या अपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़ेंगे, लेकिन उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ऐसे ही अगर साइंस में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, हालांकि साइंस के लिए स्टडी लाइफ हमेशा आपके साथ है, साइंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, उस टॉपिक पे हम पढ़ा देंगे। अगर नहीं भी, तो हमने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, कोई भी डाउट हो तो आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि हमारा रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं, या काउंटिंग फिगर का गलत हो रहा है, या अजम्पशन का गलत हो रहा है, तो उनको हम एक बार फ्रेश अप करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टेस्ट को एनालिसिस बहुत ही बेहतर तरीके से करें। रिवीजन बच्चा डेली करना है, हर दिन रिवीजन करना है, रिवीजन हर दिन करना है। कहोगे किसकी रिवीजन करना है, तो भैया मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, एडवांस में फॉर्मूले हैं, ट्रिगो के फॉर्मूले हैं, तो ये सारे फॉर्मूले को रिवाइज़ करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है, मैथ्स के आपने जो भी नोट्सबुक बना रखे होंगे उसको रिवाइज़ करना है।
अब इसी तरह साइंस की बात करेंगे तो हर दिन रिवाइज करना है फिजिक्स के सारे फॉर्मूले। बाय द वे फॉर्मूले के लिए हमने दो क्लासेस ली हैं, वो दो क्लासेस ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो दो क्लासेस आप देख लेना, उनको आप व्हाइट पेज पे लिख लेना, उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लेना। तो रिवीजन इज़ मस्ट, बिल्कुल डेली रिवाइज़ करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। मैं बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर मैं रात को सो नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा पेपर में। भैया इतना नहीं सोचना है। और आपको ये भी पता होगा कि ALP ने अगले साल का दोबारा से कैलेंडर जारी कर दिया, तो अगर आपने जेन्युइन बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया होगा तो आपका रिजल्ट इस साल नहीं होके अगले साल तो हो ही जाएगा। पर इसके लिए ये नहीं है कि हम ओवर थिंकिंग करेंगे, बैठ के रात में सोचेंगे, हमारा सुबह पूरा बर्बाद होगा, पूरी रात जगेंगे, इससे मेंटल के साथ साथ आपके फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत इशू पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, ये भी नहीं सोचना है कि हम हमारा हो जाएगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि भी रात को बैठ के हम सोचे जा रहे हैं कि हमारा ALP में सिलेक्शन हो गया है, हम ALP बन चुके हैं, ये सब भी नहीं सोचना है। प्रेजेंट में जीना है, अभी आपको क्या एक्शन करना है वो चीज़ें करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बता दूँ कि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ALP में भी, JEE में भी और NTPC में भी। तो आप जो है न्यूमेरिकल्स का डेली प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स के लिए हम यहाँ पे PYQ का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं सुबह के 10:30 बजे, आपको पता ही होगा, आप सब बच्चे वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये काम जो है आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये दोनों बातें हम कर चुके हैं। अब अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, सर हमें कितना मेहनत करना चाहिए, हमें कितना स्कोर गेन करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, और ये शायद 100% सच भी हो जाए, मेरा पर्सनली मानना है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 65% CVT 1 में नंबर काफ़ी होता है आपको क्वालिफाई करवाने के लिए। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि इसमें टॉप करोगे तो आपको कोई अच्छा रैंक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, सिर्फ पास करना है। तो मेरा मानना है कि 65% किसी भी एग्ज़ाम में आप सिक्योर करते हो तो आप 100% सिक्योर हो जाओगे। बात करते हैं ALP का, तो ALP में टोटल 75 नंबर है, 75 नंबर का अगर 65% निकालेंगे तो लगभग 48 दशमलव कुछ आता है, तो हम 48 से 50 मान के चलते हैं, इतना कट ऑफ जो है आपका जा सकता है। अगर आप इतना परसेंट स्कोर कर रहे हैं तो परफेक्ट है, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना है, हो सकता है इससे कट ऑफ कम भी चला जाए, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कट ऑफ के लिए, पर मैं बता रहा हूँ कि मेरा अनुमान है कि 65% सफिशियंट है। बात JEE की होगी तो JEE में भी अगर आप 65% स्कोर करोगे, 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 100 में से 65 से 68 मार्क्स अगर आप गेन कर रहे हो तो आप सिक्योर हो, परफेक्ट हो। बात टेक्नीशियन की होगी तो टेक्नीशियन में भी अगर देखोगे तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के लिए है, 65% इज सफिशियंट, यानी कि 65 से 68 नंबर अगर आप टेक्नीशियन में ला पा रहे हो तो यहाँ पे भी आपका CVT 1 सिक्योर हो जाएगा। तीनों में एग्ज़ाम में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें एक्यूरेसी को 90% के आसपास मेंटेन करना है। एक्यूरेसी मैटर करेगा, 90% के आसपास इसको मेंटेन करके रखना है ताकि हमारा गलती कम से कम हो और एक्चुअल मार्क्स हमारा ज़्यादा हो सके। हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगे। अभी रिसेंटली हमने रेलवे रफ्तार सीरीज स्टार्ट किया है, इसके अंदर आपको रीजनिंग की क्लासेस, इसके अंदर आपको साइंस की क्लासेस डेली बेसिस पे मिल रही है सुबह के 10:30 बजे। तो सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये हमारा क्लास 1 हो चुका है रेलवे रफ्तार सीरीज। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे NCERT का चैंपियन सीरीज, जैसे 1000+ MCQ का सीरीज, और ये जो 1000+ MCQ का सीरीज है इसमें लगभग हमने 13 क्लास ले लिया है, तो आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से नए क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।